हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर का मेन फैब्रिक लिया है, 2 मीटर का मैंने इनर लिया है। पहले कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है। अब इसको 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे, चारों तरफ से सेट करेंगे। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। लेंथ 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, दूसरी साइड भी 15.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दो इंच आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब कॉर्नर पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और राउंड शेप में बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे, ऊपर साइड से 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, बैक आर्म होल से अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देंगे। ये बैक वाला आर्म होल है और ये फ्रंट वाला आर्म होल है। अब यहीं से फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 32 इंच तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। 1/2 इंच की लूजिंग रखेंगे तो 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे, 7 इंच पर कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग से बाहर की तरफ 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन की मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अपन साइड से 2 पॉइंट्स पर क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे, फोल्डेड साइड से नेक विड 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कुर्ती के टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। पहले बैक वाले आर्म होल से कटिंग करेंगे, बाद में फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और उसके आर्म होल से कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब मार्जिन वाली मार्किंग से कटिंग करेंगे, शोल्डर की कटिंग करेंगे, बॉटम साइड से इसकी कटिंग कर देंगे, सेंटर में कट लगाएंगे, बॉटम साइड भी सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से कुर्ती के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर लिया है। अब इसमें से फ्रंट वाले पार्ट को अलग करेंगे और सेंटर से फोल्ड कर देंगे। अब इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है, अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। अब कुर्ती के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। फैब्रिक को ट्रायंगल की शेप में 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है, ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब कुर्ती के बॉटम पार्ट के ऊपर टॉप पार्ट रखेंगे। मैंने कुर्ती का टॉप पार्ट ले लिया है। अब टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर सेट करेंगे और इसके दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर इंची टेप को फिक्स रखेंगे और राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब मार्किंग पर टेप रखेंगे और कुर्ती के बॉटम पार्ट की लेंथ 26 इंच पर मार्किंग करेंगे।
मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और लेंथ 26 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। इस तरीके से कुर्ती का साइज चारों तरफ से बराबर रहेगा, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और लैंडो करेंगे। कुर्ती के बॉटम साइड मार्किंग कर ली है, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से कुर्ती के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर की कटिंग करेंगे। मैंने 2 मीटर का इनर लिया है, फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर लिया है। ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर कुर्ती का टॉप पार्ट रखेंगे, फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे, चारों तरफ से सेट कर लेंगे और इसके साइड से मार्किंग करेंगे। पहले बॉटम साइड से इसके बराबर मार्किंग करेंगे, इस तरीके से साइडों में मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। अपन साइड से शोल्डर की कटिंग करेंगे, सेंटर में कट लगाएंगे, बॉटम साइड भी सेंटर में कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। फैब्रिक को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो इसमें से इनर के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। अब बॉटम इनर की कटिंग करेंगे, ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसमें से ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और ट्रायंगल की शेप में फोर लेयर में फोल्ड कर लेंगे। में ये ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर कुर्ती के मेन फैब्रिक का बॉटम पार्ट रखेंगे, चारों तरफ से सेट करेंगे और इसके साइड से मार्किंग करेंगे। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। अब मार्किंग पर टेप रखेंगे और इनर की लेंथ 24 इंच पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखते जाएंगे और 24 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों साइड इसके मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। पहले टॉप साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, तो इसमें से इनर के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग कर ली है। मैंने टॉप पार्ट के इनर का फ्रंट पार्ट ले लिया है। नेक की मार्किंग करेंगे, नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, नेक लेंथ 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब मार्किंग पर टेप रखेंगे और नीचे तक 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी एज इट इज कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। अब सेंटर से कटिंग करेंगे, इनर फैब्रिक पर फ्रंट नेक की कटिंग कर ली है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे, फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिया है। फोल्डेड साइड से सेम 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, लेंथ 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक की राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। अब एज इट इज इसकी कटिंग करेंगे। इनर पर बैक नेक की कटिंग भी कर ली है। अब इसके ऊपर कुर्ती का मेन फैब्रिक उल्टी साइड से रखेंगे। अब इसको इस तरीके से सीधी साइड से रखेंगे। अब इसके नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। अब कुर्ती के टॉप पार्ट को राइट साइड से रख लिया है।
इसके ऊपर इनर फैब्रिक रखेंगे, चारों तरफ से सेट करेंगे। अब इसके नेक के चारों तरफ हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। फ्रंट नेक पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है, अब सेंटर में भी कट लगाएंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे सिलाई को बचाकर, जिससे नेक ईजली फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। अब इसके इनर को दूसरी साइड टर्न करेंगे। इस तरीके से इनर को दूसरी साइड टर्न करेंगे। टॉप पार्ट के इनर को दूसरी साइड टर्न कर दिया है। अब नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और इनर अटैच कर लेंगे। मैंने नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है और ये डोरी अटैच करी है। यहाँ पर बटन लगाएंगे और उसको बंद कर देंगे। सेम तरीके से कुर्ती के बैक नेक को भी रेडी कर लिया है और इनर अटैच कर लिया है। अब दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे, शोल्डर को शोल्डर के ऊपर रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों शोल्डर पर सिलाई लगा देंगे। दोनों शोल्डर पर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है फिनिशिंग के साथ। कुर्ती के बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे, इसके ऊपर इनर रखेंगे, इनर को चारों तरफ से सेट करेंगे। अब इसके ऊपर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच करेंगे। कुर्ती के बॉटम पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है और इसके दूसरे पार्ट पर भी इनर अटैच कर लिया है। अब इसको राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर कुर्ती के टॉप पार्ट को रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड रखेंगे, सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। कुर्ती के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इसके आर्म होल पर रेव की पट्टी अटैच करेंगे। मैंने दो ओरेव की पट्टी ले ली है। इसकी जो विड्थ है मैंने 2 इंच ली है। अब इस ओरेव की पट्टी को इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे ओरेव की पट्टी पर भी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। दोनों ओरेव की पट्टी पर सिलाई लगा दी है और कुर्ती को राइट साइड से रख लिया है। मैंने ओरेव की पट्टी ले ली है, इसको इस तरीके से आर्म होल पर रखेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से दूसरे आर्म होल पर दूसरी ओरेव की पट्टी रखेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। दोनों आर्म होल पर ओरेव की पट्टी अटैच करके सिलाई लगा के अटैच कर ली है। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे सिलाई को बचाकर। दूसरी साइड भी कट्स लगा लेंगे। अब इस स्ट्रिप को इस तरीके से रॉन्ग साइड फोल्ड करेंगे, चारों तरफ से इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। दूसरी साइड से भी पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों आर्म होल पर ओरेव की पट्टी अटैच कर ली है फिनिशिंग के साथ और कुर्ती के दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। एज इट इज़ दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगाएंगे। कुर्ती के बॉटम साइड और आर्म होल साइड डबल सिलाई से लॉक कर देंगे। कुर्ती के दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ। अब कुर्ती को बॉटम साइड से फोल्ड करेंगे। इनर को मैंने ऑलरेडी फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब बॉटम साइड से 1 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद हाफ इंच फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और इसके चारों तरफ फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। कुर्ती को चारों तरफ से फोल्ड करके फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा दी है और फाइनली कुर्ती बनके रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।